हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर एक आरटीआई रिगार्डिंग हम अपडेट जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के रिगार्डिंग है, भर्ती के रिगार्डिंग। जो भी आपके यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कुछ नया चेंजेस भी किए गए थे इसमें, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के न्यू अपडेट के बारे में। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो पीसीएस भर्ती रिगार्डिंग है, इसमें एक सामान्य अध्ययन के समस्त प्रश्न पत्र के रिगार्डिंग एक आरटी लगाया गया था, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफ़ी बड़ा चेंजेस है। 20/3/2024 को प्राप्त हुआ था ये जो भी आरटी लगाया हुआ है, और इसमें यहाँ पर बिंदु संख्या 1 और 2 में संबंध में अवगत कराना है कि आगामी जो आपका उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा जो प्रकृति की होने वाली है, जिसमें सामान्य अध्ययन के समस्त प्रश्न पत्रों हेतु यहाँ पर प्रश्नों की जो संरचना होगी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग लगाया गया था। तो इस बार इसमें जो है नया सिलेबस जारी किया गया, 2 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जो उत्तराखंड के रिगार्डिंग ही जारी किए गए हैं। तो उन पर जो है यहाँ पर प्रश्न पत्र अगर देखा जाए तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे। एक तो होगा यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, एक होगा यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न होगा, तीसरा होगा यहाँ पर विस्तृत उत्तरी होंगे। तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो ये एक अपडेट है जो पीछे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर जो है आप देखते हैं मुख्य परीक्षा में 3 तरह के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, जिनका यहाँ पर होना है, क्योंकि पता है कि ऑब्जेक्टिव है नहीं है, सब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में किस किस का डिस्क्रिप्शन वाला प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत प्रश्न उत्तर आपके रहने वाले हैं।